हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे बच्चों जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे परफॉर्म होते हैं वी हैव पाथवेज लाइक ग्लाइकोलिसिस टीसीए साइकिल देन बॉडी में डिनोवो uh, पाथवे बनता है यूरिया साइकिल चल रही होती है वेरियस अमाइनो एसिड्स आर यूटिलाइज ग्लाइकोजिनोलिस ग्लाइकोजेनिस ऐसे बहुत सारे पाथवे परफॉर्म किए जाते हैं बट जिस पाथवे से हम बनाते हैं हमारी एनर्जी करेंसी मतलब कि ए टी ये पाथवे है बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर हम बात करते हैं इसका नाम क्यों है ए टी बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लाइन से ट्रांसपोर्ट होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं कॉम्प्लेक्स वन थ्री एंड फोर इनमें आते हैं कुछ चेंजेस और जिससे वो चैनल्स की वो प्रोटीन्स का ओपनिंग होता है जिससे प्रोटोन्स हमारे बाहर के सरफेस में जाते हैं तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैकेजम किस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है उसके पहले अगर मैं बात करती हूँ बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन की तो क्या लोकेशन होता है अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया के अंदर उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा वहाँ परफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर हम बात करते हैं बच्चों एक प्लांट्स के अंदर तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है उनका जो थाइलॉइड मेम्ब्रेन रहता है वहाँ परफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे अंदर मतलब एनिमल्स लिख देती हूँ मैं हमारे अंदर कहाँ पे होता है हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होता है तो इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस ठीक सो तो अगर हम इस तरीके से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ करें तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होता है जिसमें काफी ज्यादा फोल्डिंग्स होती है और ये ज्यादा फोल्डिंग्स होती है ताकि वहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस आ सके ताकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो सके सो दैट मोर एंड मोर एटीपी कैन बी जनरेट ठीक है तो हमारा जो ये इनर मेम्ब्रेन रहता है बच्चों उस इनर मेम्ब्रेन में किया जाता है ए का जनरेशन नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो यहाँ पे बच्चों चार कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री एंड फोर कॉम्प्लेक्स वन थ्री एंड फोर जो है वो प्रॉपर पूरा मेमरीन को स्पैन करते हैं पर जो कॉम्प्लेक्स पूरा रहता है वो मेमरी को कंप्लीट स्पैन नहीं करता है वो सिर्फ मेमरीन के एक तरफ से ही एम्बेड रहेगा सो इट इज़ ओनली ऑन दी वन लीफलेट सो इफ वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू सिर्फ एक लीफलेट पे होता है कॉम्प्लेक्स थ्री अगेन कंप्लीट स्पैन करता है जो कॉम्प्लेक्स फोर है ये भी कंप्लीट स्पैन करते हैं तो जो प्रोटोन को ट्रांसपोर्ट करेंगे इन दी इंटरमेम्बरीन स्पेस वो कौन से कॉम्प्लेक्सेस है कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर ये हमारे प्रोटॉन्स को भेज सकते हैं इन दी इंटरमेम्बरीन स्पेस ठीक है अब रिएक्शन एग्जैक्टली exactly किस तरीके से चलती है क्या क्या चीजें होती है तो सबसे पहले एन ए डी ए चूज किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा पास करता है इन दी कॉम्प्लेक्स वन इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजा जाता है उसके बाद में कॉम्प्लेक्स टू के पास में आता है एफ टू और वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को हम पास कहाँ पे करते हैं टू दिस यूबिकविन कॉम्प्लेक्स एक हमारा घूमता फिरता प्रोटीन होता है बच्चों उसका नाम होता है यूबिकविन दैट इज कोजाइम क्यू और वो एक मूविंग मॉलिक्यूल है तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा आगे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा वो काम करता है तो यूबिकविन क्या करेगा इट विल कलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू और इलेक्ट्रॉन्स को जाके पहुँचाया जाता है कॉम्प्लेक्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स थ्री है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को वो फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है टू कॉम्प्लेक्स फोर बट वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है बच्चों तो साइटोक्रोम सी के हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे कॉम्प्लेक्स फोर तक ठीक है सो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम एन एंड एफ एडीएच टू बाई कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू फिर इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे कॉम्प्लेक्स थ्री को कॉम्प्लेक्स थ्री देगा इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम सी को एंड देन इट विल बी गिवन टू कॉम्प्लेक्स फोर और कॉम्प्लेक्स फोर से इलेक्ट्रॉन्स जो फर्दर उनको रिसीव करता है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस दो प्रोटॉन्स प्लस हाफ प्रोटू इस तरीके से रिएक्शन चलती है एंड इस तरीके से रिएक्शन चलती है ओके सो इन दिस वे दी अगर हम बात करते हैं तो यूबिकवोन यूज किया जाएगा एंड वहां से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सी तक हम पास करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉम्प्लेक्स थ्री के पास किया जाएगा और अल्टीमेटली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन रिसीव करेगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे बनता है हमारा एक H2. अब आप देख सकते हैं बच्चों इस पूरे रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है तो हमारे कुछ प्रोटॉन्स आगे आ रहे हैं और ये प्रोटॉन्स जाएंगे जब प्रोटॉन्स वापस आएंगे तो वहाँ पे ए बनेगा कैसे बनेगा हम देखेंगे उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो ये प्रोटीन्स बताए मैंने आपको NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू इज डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स थ्री इज साइट बी सी वन कॉम्प्लेक्स फोर इज साइट अब बच्चों ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन सब में बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट प्रेजेंट रहते हैं दीज ऑल आर मल्टीमेरिक प्रोटीन्स तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स वन में एफ ई एस क्लस्टर्स होते हैं ओके कॉम्प्लेक्स टू में भी एफ ई एस कॉम्प्लेक्स थ्री में साइटोक्रोम बी एफ ई एस साइटोक्रोम सी वन और ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है ठीक है ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एफ एम एन तक आएंगे एफ ई एस यूबिक पिनोन देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू यूबिक यू की फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम बी तक फिर एफ ई एस फिर साइटोक्रोम सी वन सेम कॉम्प्लेक्स टू से भी होता है एफ ए डी एफ ई एस यू क्यू यू क्यू एच बनेगा फिर साइटोक्रोम बी एफ ई -E एस साइटोक्रोम सी बहुत बार एग्जाम में आपको ये सीक्वेंसेस पूछते हैं the exam, भाई क्या सीक्वेंसे? है या है? तो इसके लिए आपको ये पात पे पता होना चाहिए से हो है। है? वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है अंदर होता है ये बात भी याद रखना फिर इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू दिस कॉम्प्लेक्स फोर कॉम्प्लेक्स फोर में भी पूछते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन्स के सीक्वेंस में जाएगा तो सी यू ए सी वाई टी ए थ्री सी यू बी एंड देन अल्टीमेटली ऑक्सीजन उसको लेगा और वाटर मोलिकल का फॉर्मेशन होगा और लास्ट में बच्चों रहता है हमारा ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जहाँ पर होता है ए टी पी का सेंथिस तो हमारे पास में जो ये चार कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास में जो ये चार कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से फोर प्रोटॉन्स मूव होते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स से भी फोर प्रोटोंस मूव होते हैं एंड इस कॉम्प्लेक्स से भी हमारे टू प्रोटॉन्स मूव होते हैं और जब ये प्रोटॉन्स वापस आएंगे बच्चों फॉर एवरी थ्री प्रोटॉन्स देर इज वन ए टी पी जनरेशन फॉर एवरी थ्री प्रोटॉन देर विल बी जनरेशन ऑफ वन ए टी पी मोलिक्यूल तो कुछ इस तरीके से हमारे ए टी पी का जनरेशन होता है और अगर एन ए डी एच आता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स वन से स्टार्ट हो जाएगी अगर एफ ए डी एच टू आएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स Sorry. तो वो कॉम्प्लेक्स टू से स्टार्ट हो जाएगी तो अगर हम एन यूज कर रहे हैं तो हम लोग एक साथ में दस प्रोटॉन्स फॉर्म कर सकते हैं इफ़ वी आर यूजिंग एफ टू तो एक साथ में हम लोग सिक्स प्रोटॉन्स को भेज सकते हैं सो फॉर मेकिंग वन ए वी रिक्वायर फोर प्रोटॉन्स तीन प्रोटॉन लगते हैं टू स्पेंड एस एंड रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इनऑर्गेनिक फास्ट बिकॉज ए डीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्पेट से बनता है हमारा ए टी पी तो एन ए डी एच से क्या होता है हम लोग ढाई ए टी पी बना सकते हैं और एफ एडीएच से हम लोग ए टी पी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है एंड लास्टली दीज आर दिबीटर्स ओके लास्टली ये हमारे कुछ इनिबीटर्स है इनिबीटर्स को याद करना बिकॉज एग्जाम में काफी बार पूछते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स को कौन इनिबिट कर सकता है लेकिन आज क्यों अगर हमने मेटफॉर्मिन यूज़ किया तो कितने एटीपी बनेंगे मेटफॉर्मिन यूज़ किया तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वन इनिबिटेड तो हमारे सिर्फ है प्रोटॉन्स ट्रांसफर होंगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल आपके और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होगी डू पेन एन दी कॉमेंट बॉक्स एंड इफ यू वॉन्ट एनी मोर वीडियो फ्रॉम मी प्लीज़ उसको भी वहाँ पर जरूर पोस्ट कीजिएगा एंड हैव अ ग्रेट एवरी वन एंड वेरी हैप्पी लर्निंग